बात हर न्यूज 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी का हिंद जनता करती मन की बात। अरे भैया जी का हिंद जनता करती मन की बात। अरे भैया जी और पारी मिलकर पूछे रोज सभा। पागी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। नॉट प्लेस में एक बार हम फिर मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात आज कहां से शुरू की जाए, जहां कल खत्म की थी वहीं से शुरू करें या कुछ नई बात करें? नहीं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। कल जहां से शुरू की थी वही। जी साहब ये वो कहानी है जो रोज चलती है ऐसे ही रोज यहां पे। नहीं साहब मैं आपको पहले अपडेट करेंगे क्योंकि जो रोज प्रोग्राम देखते हैं वो ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर जो कल ये बोल के गए थे उस पर इन्होंने कुछ किया या ये भी बस लिप सर्विस करते हैं। जानते ना लिप सर्विस क्या होती है जबान से। ठीक है नेताजी खड़े रहिए। तो सवाल ये है, मुझे मालूम है आपको चुनाव लड़ना है, जिनको लड़ना है जिनको लड़वाना है वो सभी यहां भैया जी कहीं में आते हैं, तो खड़े रहिए चुपचाप। तो सवाल यह था जो कल हमने बात की थी वो ये थी कि एम्स में इलाज के लिए जो कुछ पाकिस्तानी यहां पर हिंदू आए थे, हिंदू परिवार के, जिसमें एक शख्स की लीवर ट्रांसप्लांट होना था, यानी उसका फेल्योर था, लीवर फेल्योर था और बहुत क्रिटिकल स्टेज पे था, वो यहां पे आए थे बातचीत के लिए, खासतौर से इसलिए कि इलाज हो सके उनका और उनकी जो एडमिशन है वो हो सके। लिहाजा यहां पर डीएन श्रीवास्तव साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो उन्होंने कहा था कि हम उनको दिखाएंगे और हम वहां जाएंगे और ये वादा भी उन्होंने किया था। लिहाजा वो सुबह गए, उन्होंने मेरे पास फोन किया और काफी देर इंतजार किया एम्स में उन्होंने, लगभग कितनी देर श्रीवास्तव जी? दो घंटे इंतजार किया। जो नंबर फोन नंबर उन्होंने दिए थे उस पर फोन किया लेकिन उन्होंने क्या कहा? वो कहे कि हम आज नहीं कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। तो मेरी तरफ से अपडेट ये है कि साहब उनकी पांच लड़कियां थी या चार लड़कियां थी, एम्स के अफसर भी आ गए थे वहां मौजूद थे, हमारे साथ बात होती, अगर उनके कागजात होते तो शायद उनका एडमिशन भी हो जाता आज, अगर कहीं पे कमी थी तो उसको पूरी भी की जाती, लेकिन वो आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, इसलिए नहीं हो पाया जी। तो एम्स में इलाज के लिए वो जाना था, एडमिशन था, पाकिस्तान से वो आए हुए थे, पाकिस्तान के हिंदू थे। ये बात बार बार इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कल जो बातचीत थी वो जनसंख्या नियंत्रण पे थी, रोकथाम पे थी, इस पर बातचीत हो रही थी और शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। तो ये अपडेट है मेरी तरफ से कि कल क्या हुआ था, इस पर बातचीत में आऊंगा कॉमरेड, मैं ऑफकोर्स आपसे जरूर बात करूंगा। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मेहमान हमारे जो हैं सामने सारे आ चुके हैं लिहाजा भटकाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं फिर जो आप बोलना चाहें या जो बात कहना चाहें या जो आपकी मर्जी हो वो आप जरूर बोलिए। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। विजय कौशिक जी हमारे साथ आज मौजूद हैं